is a funny place. I think the comedy starts there, but then it is for people to see and discover what really happened. So that's the fun of it. So you've done films, but this is a web series. How different was the experience? It was a lot of fun. First of all, it came from Jagdish, who's also a fellow comedian, apart from being a doctor and a writer. So there's this comfortable space. Also, we stayed at the resort, the rehab center, where these cases actually take place. So I got to see those cases firsthand and Dr. Sharan's work that he does, you know. So it was a great experience, not just in terms of shooting the web series, but seeing the real life cases that are depicted in this series. Great. We're not going to disturb you much because we know you have to leave. Just last question. Tell us something about your character. Nothing. Good one, he's always on fire. Well, so Dr. Jagdish, you have played Dr. Sharan in the show, right? So first of all, tell me how easy or difficult was it to do that? देखो ऐसा है, मैं कभी न्यूरोसर्जरी कर नहीं पाया, मेरी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं थी. हालांकि पढ़ाई करनी मुझे बहुत पसंद थी, इतनी पढ़ाई पसंद थी कि कुछ सब्जेक्ट में काफ़ी साथ लग गया, लेकिन न्यूरोसर्जन कभी नहीं बन पाया. लेकिन डॉक्टर शरण का रोल करते करते मुझे एक तरह से न्यूरोसर्जरी का जो रोल का जो फीलिंग होता है वो आ गया. और उसके बाद मैं हाथ भी जोड़ता हूँ कि अच्छा है कि मैं ENT कर रहा हूँ क्योंकि इतना हाई प्रेशर और इंटेंस फील्ड है न्यूरोसर्जरी, जो खासकर ब्रेन की सर्जरीज होती है, स्पाइन की सर्जरीज होती हैं, ये इंसान की लाइफ और डेथ को चेंज करने वाली जो सर्जरीज होती हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए तो एक तरह से ड्रीम कि न्यूरोसर्जन कैसे होते हैं. लेकिन आई एम हैप्पी विद बीइंग द प्लंबर ऑफ द नोज, वही कर रहा हूँ आजकल. बिल्कुल, देखिए मेन पर्पस स्टार्टिंग ट्रबल्स जो नाम है वो उसका बेसिकली दो मीनिंग है. एक तो जब आप कुछ नया शुरू करते हो तो आपको स्टार्टिंग में ट्रबल्स होती हैं, और दूसरा जब आप कब नया कुछ शुरू करते हो तो आपके आसपास ट्रबल स्टार्ट होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जेलसी होती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है. तो स्टार्टिंग ट्रबल्स उस पर एक वर्ड प्ले है. हमने इसलिए शुरू किया था क्योंकि डॉक्टर्स की असली स्टोरीज कभी आती नहीं है मीडिया में, मूवीज में. अगर आप देखेंगे डॉक्टर यही बोल रहा होता है कि हालत बहुत गंभीर है, माँ को बचा बचा लो, बेटे को बचा लो, फिर उनके एक्सपेक्टेशन भी ये होते हैं मैंने इंजेक्शन दे दिया है, और फिर पेशेंट्स वो एक्सपेक्टेशन लेके हॉस्पिटल आते हैं, फिर हमें मारते हैं. तो हमें लगा कि यार जो डॉक्टर्स की असली एक्चुअल चीज़ है, आप फॉरेन के सारे शोज देखते हो, हाउस एमडी देखते हो, गुड डॉक्टर देखते हो, लेकिन इंडिया में हमारी जो मेडिकल फील्ड है उसको राइट प्लेटफॉर्म और राइट ऑथेंटिसिटी से क्यों नहीं दिखाया जाता. तो हम कुछ डॉक्टर्स ने थोड़े से अपने खुद के पैसे डाल के सीजन वन बनाया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि डॉक्टर की स्टोरी, उसमें मेरी स्टोरी थी क्योंकि हम लोगों ने मैंने इन्वेंशन भी बनाए हैं तो उस पर किताब थी, तो उसके बेसिस पर हमने किया था. लेकिन हमें रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अगर आप सोच सकते हो अगर 10 लाख डॉक्टर्स इंडिया में हैं तो हमारी सीरीज पे ओवर मिलियंस ऑफ व्यूज, तो आप ये सोच सकते हो कि नॉट ओनली इंडिया बट अब्रॉड मेडिकल स्टोरी, जो ऑथेंटिक इंडियन स्टोरी है, उसकी क्या वैल्यू है. तो हमें लगा कि यार बहुत लोग बोल रहे थे सीजन टू बनाओ, और हमें लगा कि हमें एक ही आदमी की स्टोरी नहीं बनानी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए अलग अलग फील्ड के अलग अलग डॉक्टर्स जो आविष्कार करते हैं, जो इनोवेशन करते हैं, उनके ऊपर बनानी चाहिए. और जब डॉक्टर शरण से मिला मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ, क्योंकि ये एक ऐसी सर्जरी करते हैं जो जैसे हाथ अगर कांप रहा हो और उसी समय ब्रेन की सर्जरी करके हाथ कांपना बंद हो जाता है. हमारे देश में कितने लोगों को पार्किंसन की डिसीज है, हाथ कांप रहे होते हैं, ये काम कोई इलाज ही नहीं कराता है, सब सफर कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये 5 मिनट की सर्जरी में ठीक हो सकता है ऑन द टेबल.
हमें लगा ये स्टोरी हमें दिखानी चाहिए, तो हमने सर से बात की, सर ने हमें परमिशन दिया कि हाँ आप हमारी स्टोरी बता सकते हो, लेकिन ऑथेंटिक और टेक्निकल होना चाहिए। इसको आप प्लीज़ इतना डाउन डाउन मत कीजिए कि ये असली लोगों को असलियत समझ में नहीं आए। सो एज अ राइटर मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था कि जो लास्ट में ट्विस्ट डाला है वो मैंने कम से कम 20 एकता कपूर की सीरियल देख के सोच के वो बनाया था। और दूसरा जो मुझे इसमें एक्टिंग में जो मुझे अच्छा लगा वो ये था कि जो जो मेरा और एक बनवारी लाल कैरेक्टर के साथ जो थोड़ी सी हमारी जो रैपो है कॉमेडी वाली वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि वो एक सीनियर और जूनियर का जो रैपो होता है वो काफ़ी रिलेटेबल होता है, मुझे अच्छा लगा वो वाले सीन। सो ये वेब सीरीज क्यों देखनी चाहिए? ये वेब सीरीज दो रीजन की वजह से देखनी चाहिए। एक तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे इंडियन डॉक्टर्स क्या करते हैं, किस तरह की इनकी पढ़ाई होती है, किस तरह से इनका काम होता है। और दूसरा रीज़न ये है कि आपको इससे कितना फ़ायदा हो सकता है अगर आप समझें आपकी बीमारियों को कैसे इलाज दिया जा सकता है, खासकर इस तरह की डिबिलिटेटिंग डिसीजेस। तो हम लोग इसको इंफोटेनमेंट की तरह बोल रहे हैं, जहाँ पर आपको एक्चुअल नॉलेज भी मिलेगी लेकिन ये आपको एंटरटेनमेंट के साथ फ्लेवर और मसाले के साथ मिलेगी। तो इसलिए हम इस जॉनर को प्रोपोगेट करना चाहते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि जब मुझे पहली बार फ़ोन आया, मैसेज आया, मुझे समझ नहीं आई ये एंटरटेनमेंट के उसमें रियल में है या ये इंफोटेनमेंट के रियल में है या सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही है या ये मेडिकल कुछ हम करने जा रहे हैं या ये कहाँ रिलीज हो रही है, कैसे होगा, तो मुझे कुछ समझ नहीं। लेकिन मुझे एक बात जो समझ में आ चुकी थी वो ये थी कि ये कुछ मेडिकल डॉक्टर को लेकर अपनी काफ़ी कुछ आगे फैलाई हो रहा है। और जब मैंने थोड़ा सा पढ़ा इसके बारे में, अपने बेटे के बारे में जाना, तो और फिर जब मैं जाकर मिला हॉस्पिटल जाके मिला, आई वॉज वेरी सर्जरी करने वाले डॉक्टर तो बहुत सारे जो मेरे देखा, हर फील्ड में हर तरह की सर्जरी करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद जो पेशेंट का फॉलोअप है उसको गरीब से गरीब आदमी को हेल्प कर कर उसको अपने पैरों पर खड़ा कर कर, तो इसका जो मेन पर्पज सीरीज का वो सर्जरी दिखाना नहीं, वो ये है कि पेशेंट जब कोई भी मेंटल उसके बाद क्या हुआ उसको, उसकी लाइफ कैसे, उसके बाद कैसे, उसको असली केयर तब चाहिए। वो जो मिशन है वो तो हो गया, एक घंटे में हो गया, दो घंटे में हो गया, जो भी लाइफ केयर हो गया, लेकिन बाकी उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ी है सालों साल, उसकी केयर कर जाते हैं वो इनका ज़्यादा। Dr. Sharan about, it's called the rehabilitation. Yeah, exactly. The rehab center, they have their own rehab center now in Bangalore. So we will talk about it. So sir, what is your favorite part in the whole series? देखो मैं तो एक बात मानता हूँ कि मैं अगर आप मुझसे पूछो, जैसे लोग पूछते हैं कि मुझे फेवरेट हो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा ये फेवरेट हो मुझे वही करना। तो मेरा फेवरेट पार्ट तो सबको ही फेवरेट है, मैं कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर मैं हर मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ। अगर मैं इसको एंजॉय करूँगा तब वो कहीं ना कहीं कन्वे होगी, कैसे भी मोमेंट हो, भाई वो कॉमिक हो या जेलसी की हो या जो भी इमोशन उसमें जनरेट किया जा रहा है वो जनरेट पहले होगा, तो पहले मुझ तक आए फिर वो अच्छा आएगा। करेक्टर जैसे ये तो एकदम नेगेटिव है, एकदम ये चेहरा इनका कलर इनका चेहरे का वाइट है लेकिन है ब्लैक, लेकिन मेरा ऐसा नहीं, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ और मैं इनकी सारी चालें जो हैं आगे सीख रहा हूँ। ये इस तरह से डॉक्टर शरण को जो उनकी लाइफ में जो हुआ है, एक्चुअली हुआ उनके साथ, ये जो कहानी है रियल है, वो तो कैसे इस करेक्टर ने उनको नीचे लाने की कोशिश की और कैसे मेरे करेक्टर ने उनको सपोर्ट करने की कोशिश की ताकि वो आगे बढ़े करेक्टर, और कैसे एक लेवल पे मतलब ऑलमोस्ट हमारा एक फेस टू फेस नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी ऐसा हो जाता है कि भैया ये आप गलत कर रहे हैं, लेकिन ये एक दो फोर्सेस हैं नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि आप समझिए कि हर चीज़ को ऊपर लाने के लिए एक नेगेटिव को भी चाहिए होती है, पॉजिटिव राम और अमन की कहानी बन चुके मुझे लगता है आपको तो डिग्री मतलब मिल ही चुकी होगी, डिग्री है ना, दिस इज फिल्म डिग्री ऑफ डॉक्टरेट,
सर्जरी बहुत बार रियल डॉक्टर बनाऊँ, इस बार रियल डॉक्टर प्ले कर, तो काफ़ी टेक्निकल स्क्रिप्ट थी तो मेरे तो मैंने ना करी आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, ये मैं नहीं कर पाऊँ। फिर हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव ने एक घंटे की वीडियो कॉल में मुझे समझा दिया, ट्रैफिक में बैठे थे बैंगलोर में, चलो करते हैं, इसे इतनी कॉन्फिडेंस से मेरे एवरीथिंग में चला है आउट ऑफ करेक्ट। फिर जब स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे पता चला कि रियल लाइफ तो कंफर्टेबली हो ही जाता है, यू डोंट नीड एक्टिंग, जस्ट प्ले योर नॉर्मल लाइफ एंड यू टॉक एज इविल एज पॉसिबल। बट ओके, टॉकिंग अबाउट इविल, लाइक आई हैव हर्ड, जिन्होंने भी अभी तक देखी है वो लोग ये बोलते हैं कि यार ये तो बहुत गलत है, यू नो वी रियली वांट टू किल दिस मैन, एज आई वाज सेइंग वी लव टू हेट हिम, सो यू नो हाउ इजी और डिफिकल्ट इज इट? सी आई थिंक इसमें ऑर्डर इजी पार्ट वाज दैट यू डोंट हैव टू वेट, बेसिक बेसिक कराने की जरूरत नहीं है, इवन द स्क्रिप्ट हैड इट ऑल देयर एंड ऑफ कोर्स द डायरेक्टर गिव यू द इंस्ट्रक्शंस, द एक्टर्स जॉब इज टू बी ऑर्डर टू फॉलो द स्क्रिप्ट, क्योंकि हम लोगों ने बैंगलोर में शूट किया, आउट ऑफ यू नो मुंबई शूट किया, एनी फेवरेट मेमोरी दैट यू कैन शेयर? वेल द फेवरेट मेमोरी कम्स टू माइंड व्हिच पीपल होप दे नेवर एक्चुअली एनकाउंटर इट, व्हेन दैट इज व्हेन आई गॉट दिस ये कब हुआ? Watch the series. Well, we have launched it today. You can always go and stream and watch us. And now, thank you, actors and director. What about you? Oh, yes. Comment about you. How was your experience? आपने तो बताओ कुछ. यार, honestly, मुझे तो ऐसे phone आया कि there's a character that you have to play a patient. I said, yeah, okay. और जब मैंने first time walk किया उसमें, क्योंकि script में कुछ ऐसा लिखा नहीं था कि वो patient patient. He was a regular guy जो कि reception पे काम करता है. तो मैंने अपने डोले वोले ऐसे ऊपर किए और मैं अपना hero की तरह चल के गया. They were like, ब्रो ये मॉडल वॉक नहीं चाहिए, पेशेंट है तू, लेट शो यू द वीडियो. इन्होंने मुझे जब वीडियो दिखाई तो जो पेशेंट मैंने प्ले किया है उसका एक्चुअली जो हेड है वो पूरा 360 डिग्री पीछे गिर चुका है. ही कांट इवन पुट हिज हेड अप विदाउट सपोर्ट, ही हैज अ लॉट ऑफ यू नो वॉबलिंग इन हिज हैंड एंड द बॉडी, और वो कुछ भी काम नहीं कर सकता. आई हैड टू प्ले दैट पेशेंट. और मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये दिया गया कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू वो पेशेंट है जब तक वो एक्चुअली होता नहीं. सो आई थिंक दैट वॉज द ब्यूटी. And thanks to our director and you know, for Dr. Jagdish and Dr. Sharan and Dr. Pratibha, ki they made me take up those nuances. Aur jo words maine use kiye hain, matlab thank you. Sabne actually, matlab sapne mein bhi mujhe raat ko script mein wahi words ghum rahe the. So, but I think it was a great experience. Hi. For UPRS Neurosciences ke YouTube channel pe abhi live ho jayega 7 o'clock ko. But after that, it will also be available on other OTT platforms. I want you to see the picture. Vidhi. Trupila with her cousin and the accident happened. And she was in coma for 4 months. She was in hospital for six, seven months. So from there, she's back to college. So it's a coma to college story. She still is fighting some battles, but she's happy. She's back to TikTok. If you want to say something, you can say something. Great, thank you so much.